डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह भले ही 20 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे चले गए हो और उनकी कथित मुंहबोली बेटी भी हवालात में हो, लेकिन यूनाइटेड नेशंस तक इन दोनों की धमक ऐसी है कि आज भी इन्हें यूएन याद कर रहा है। जी हां, सुनकर आप चौंक सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ है। गुरमीत राम रहीम और हनीप्रीत के जेल में होने की खबर शायद संयुक्त राष्ट्र तक नहीं पहुंची है, इसीलिए यूएन ने राम रहीम और हनीप्रीत को शौचालय दिवस का समर्थन करने की अपील कर दी है। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस की ओर से 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जा रहा है। यूएन के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर राम रहीम और हनीप्रीत को इससे जुड़ने की अपील की गई है। ट्वीट में राम रहीम और हनीप्रीत को टैग करते हुए लिखा गया है, डियर हनीप्रीत इंसान और राम रहीम, हमें उम्मीद है कि आप विश्व शौचालय दिवस का बढ़ चढ़कर समर्थन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के इस ट्वीट को पढ़कर बेहद हैरानी हो रही है। राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद पंचकुला में काफी बवाल हुआ था, यह खबर इंटरनेशनल स्तर पर कवर की गई थी। ऐसे में यह कैसे हो सकता है कि यूएन के अधिकारियों को राम रहीम के जेल में होने की खबर ना हो? अब तो यह देखने वाली बात होगी कि यूनाइटेड नेशंस के इस कार्यक्रम में राम रहीम जेल से कैसे भाग लेते हैं। वायरल कीड़ा न्यूज़।